हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्लास। आज हम अपनी एसएसटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। आपको पता है कि एसएसटी की बुक को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोशल लाइफ, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, हिस्ट्री में जो है हम पुराने इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि पुराने टाइम में जो है कौन से किंग्स ने रूल किया, या पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में जो है हम इंडिया की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे कैसा क्लाइमेट पाया जाता है, और अर्थ के जो है अर्थ पे कौन सी प्लेस पे कौन सी जगह लोकेटेड है, उनके फीचर्स, वहाँ पे कैसी वेजिटेशंस ग्रो होती है, वेजिटेबल्स ग्रो होती है, वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में जो है हम डेमोक्रेसी और एक लोकतंत्र में जो है गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, और जो पब्लिक है उनके पास कौन से राइट्स होते हैं, कौन से अधिकार होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। ठीक है, आपको पता है जो हिस्ट्री है इसमें जो है हम पुराने इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, पुराने समय में जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब जो है कौन सी घटना कहाँ पर घटी है, जो है कब घटी है और कैसे घटी है, क्यों घटी है, उनके रीजंस, ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको फर्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है जॉन मार्शल, जो कि क्या कौन थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो है डिस्कवर किया था 1921 में जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में जो उन्होंने खोज की थी। ठीक है, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन को खोजा था। ठीक है, सिविलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे एक साथ जो है अ ग्रुप ऑफ पीपल जो है लीव करता है, एक साथ जो है सामूहिक रूप में एक साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो सिविलाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, और जब इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उसी टाइम पीरियड में जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो थी वर्ल्ड में दूसरी जगहों पर जो है लोकेटेड थी, या उसी टाइम पीरियड में जो है ये सिविलाइजेशन भी डेवलप हुई। ठीक है, अब जो है हिस्ट्री को जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, आगे आपको ये बताया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट जो टाइम पीरियड में डिवाइड किया वो कौन सा है, एंशियंट और अर्ली पीरियड। ठीक है, एंशियंट का मीनिंग होता है कि मतलब पुराने समय में। ठीक है, 18th सेंचुरी से पहले तक का जितना भी जो टाइम पीरियड है उसको एंशियंट टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें जो है जो ह्यूमंस है उन्होंने जो है एग्रीकल्चर, फार्मिंग सीखी। ठीक है, शिकार करना, घरों में रहना, और जो है पॉट्स बनाना, बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें सीखी। ठीक है, नेक्स्ट जो पीरियड है उसको मेडिवल यानी मिडल पीरियड कहा जाता है, और ये जो है 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में आता है। ठीक है, AD आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग, हमने 6th क्लास में पढ़ा था, आफ्टर डोमेन एरा। ठीक है, जो एट्थ सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें जो है बहुत सारे किंग्स ने जो है इंडिया पर या वर्ल्ड में भी जो है अलग अलग किंग्स ने रूल किया था। ठीक है, राजाओं का शासन जो है इस टाइम पीरियड में, इस समय काल में रहा। मॉडर्न पीरियड, ठीक है, जो कि 19th सेंचुरी से 21st सेंचुरी, जो कि जो है अभी भी चल रहा है। ठीक है, ये जिस सेंचुरी में हम अभी जी रहे हैं ये भी 21st सेंचुरी है, तो 19th से 21st सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है उसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे साइंटिफिक जो रिसर्चेस है या डिस्कवरीज हैं इन्वेंट हुई, जो है विज्ञान का बहुत ज़्यादा, साइंस का जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। हमारे पास जो है नए नए बहुत सारे जो गैजेट्स हैं वो हैं, अब जो हमारा काम पहले बहुत घंटों में होता था वो मिनटों में होने लगा है। ठीक है, तो ये सारे हिस्ट्री को जो इन टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बेसिकली आपकी जो बुक है इसमें आप लोग मेडिवल, जिसका मीनिंग क्या होता है मिडल, इस टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। आपने जो इससे पहले वाली बुक में जो है एंशियंट टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा था, और इस बुक में जो है हम फोकस जो है पूरा मेडिवल टाइम पीरियड में किया गया। ठीक है, यहाँ पे जो है आप अलग अलग किंग्स और सिविलाइजेशन, यहाँ पे जो बहुत सारे आपको रूलर्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि हाल प्रतिहार। इंडिया में जो है मेडिवल टाइम पीरियड को भी और दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो अर्ली पीरियड और दूसरा लेटर मेडिवल पीरियड। ठीक है, अर्ली मेडिवल पीरियड जो है इसका टाइम पीरियड 8th to 12th सेंचुरी तक है। ठीक है, और लेटर जो मेडिवल पीरियड है वो 12th to 18th सेंचुरी तक जो है माना जाता है। ठीक है, इस टाइम पीरियड में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत अलग अलग जो है किंगडम्स जो है इंडिया में इस्टेब्लिश हुए, अलग अलग जो है राजाओं ने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, यहाँ पे पाल्स, प्रतिहार्स, राष्ट्रीयकूट्स, चोल,
ये सारे वो अलग अलग जो है किंगडम्स जो है यहाँ पे स्टेब्लिश हुए, ठीक है। इसमें जो है मेन जो किंगडम थे वो थे राजपूत और मुगल के जो किंगडम थे, जो कि लेटर मेडिवल पीरियड में जो है स्थापित हुए, स्टेब्लिश हुए कह सकते हैं, ठीक है। जो मुगल्स है वो इंडिया में मेडिवल टाइम पीरियड में ही आए थे, और जो ये मुगल रूलर्स हैं इन्होंने जो है इंडिया में बहुत लंबे टाइम तक और बहुत ज़्यादा जो है लार्जेस्ट एरिया इंडिया का कवर करके रखा था और वहाँ पे रूल किया था, शासन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको बताया हुआ है मेडिवल पीरियड कवर द रूल ऑफ द तुर्क्स एंड द अफगान्स एंड मुगल्स, ठीक है। यहाँ पे जो है और जो मुगल है और राजपूत जो रूलर थे इनके बीच में आपस में बहुत सारी जो है वॉर यानी युद्ध लड़े गए। द राइज एंड फॉल ऑफ द मराठास एंड द सिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द लेटर मेडिवल पीरियड। जो मराठास थे जो कि महाराष्ट्र में डेवलप हुए थे और सिक्स थे इनका भी जो है डेवलपमेंट या जो है इन्होंने भी जो है रूल लेटर मेडिवल पीरियड में ही किया था, ठीक है। और इनके बीच में आपस में बहुत सारे वॉर और युद्ध लड़े गए थे, मराठास और मुगल और सिख और मुगल इन लोगों के बीच में आपस में काफ़ी सारी फाइट या लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है। और जो यूरोप है, अब ये तो आपने इंडिया के बारे में पढ़ा, लेकिन जो यूरोप है जो दूसरा कॉन्टिनेंट है वहाँ पे जो है मेडिवल पीरियड को जो है कब से स्टार्टेड माना जाता है, 5th सेंचुरी to 16th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है वहाँ पे जो है मेडिवल टाइम पीरियड माना जाता है, जबकि हमारे यहाँ 8th to 18th सेंचुरी जो है मेडिवल टाइम पीरियड में काउंट की जाती है, ठीक है। और जो है आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हर्ष जो किंग थे, राजा थे, इनकी डेथ के बाद जो है इंडिया जो है बहुत लार्जेस्ट एरिया है, यहाँ पे जो है अलग अलग छोटे छोटे जो है रूलर्स ने रूल किया, जो है नॉर्थ में किसी और किंग का रूल था और जो है साउथ में किसी और का, ईस्ट में किसी और का, वेस्ट में किसी और का, अलग अलग रूलर्स ने रूल किया। आपको पता है जो राजस्थान है जो कि जो है वेस्ट में पड़ता है वहाँ पे जो है राजपूत किंग का रूल जो है काफ़ी टाइम तक रहा, ठीक है। और इन राजपूत किंग्स की जो है काफ़ी सारी वॉर मुगल किंग्स के साथ हुई जो कि जो है 16th सेंचुरी में इंडिया में आए थे, ठीक है। और जो साउथ इंडिया है यहाँ पे जो चोल किंग्स थे इनका जो है काफ़ी लंबे टाइम तक जिन्होंने रूल किया, जितना भी साउथ का पार्ट है कर्नाटक आंध्र प्रदेश यहाँ पे जो है सारा एरिया जो है चोल किंग्स के अंडर था काफ़ी टाइम तक, उन्होंने जो है काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक जो है साउथर्न पार्ट में रूल किया, ठीक है। अब ये तो हमने स्टार्ट किया आज, आपने जो है जाना कि एंशियंट और मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में जो हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है, और आपका जो बुक है इस ईयर का इसका पूरा फोकस मेडिवल टाइम पीरियड पे, आप जो है अलग अलग किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से किंगडम ने जो है कब से कब तक रूल किया, कितने पार्ट्स पे रूल किया और कौन कौन सी जो है इंपॉर्टेंट जो वॉर्स हैं लड़ाइयाँ हैं इनके बीच में हुई, ठीक है। इसके आगे से हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से आपके बुक वर्क का जो पार्ट है वो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, एक जो पार्ट है उस बुक वर्क का जो ए पोर्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 1 और बी जो पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपको करना है, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ, आपके बुक वर्क का जो ए पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 1 जितना पढ़ाया उसी में से है, ठीक है। और जो बी है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आपका होमवर्क में, ठीक है। और आपको जो है अपने ये सारी चीज़ें जो है इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और जितना मैंने पढ़ा उसको वापस आपको रीड करना है, दोबारा पढ़ना है, ठीक है। और जो है आपको अगर कोई डाउट हो तो इसके बारे में आप ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं।